सर 6 बज गए सर, आई हैव टू लीव सर, 6 बज गए, रोहित ऑलरेडी बाहर वेट कर रहा हूँ, कब से वेट कर रहा हूँ, शिट। रिया, एक कॉल आइसोलेट हुआ है, प्लीज अटेंड एंड लीव फॉर द डे। सर प्लीज सर, एस्केलेशन कॉल है, टाइम लग जाएगा सर, माय बॉयफ्रेंड इज ऑलरेडी वेटिंग आउट सर, प्लीज सर। एस्केलेशन कॉल है इसलिए बोल रहा हूँ, यू कैन हैंडल हिम इजीली। बॉयफ्रेंड को पति परमेश्वर बनने में टाइम है थोड़ा, और वैसे भी बॉयफ्रेंड तो होते ही वेट करने के लिए है, उसे बोल दो और वेट कर ले, गो एंड टेक दिस कॉल। ओके बॉस। अबे कहाँ चला गया बे, तुम लोगों को रखा किस लिए वहां पे, सर्विस देने के लिए ना, तुम होल्ड पे डायल के टाइम पास करते रहते हो, कस्टमर को वेट करवाते रहते हो, अबे कहाँ घूमने चले जाते हो यार, मतलब हमारे पास भी कोई काम धाम नहीं है क्या, बस तुम्हारे कॉल का वेट करते रहे, क्या होगे वापस और हमसे बात करोगे। अरे होल्ड पे डाल के साला कहाँ याशी करते रहते हो यार। आपको इतनी देर वेट कराने के लिए हम क्षमा चाहते हैं, मेरा नाम रिया है, मोबाइल कस्टमर केयर में आपका स्वागत है। मिस्टर कपूर, क्या मैं आपकी समस्या जान सकती हूँ? Hey, Rhea. How are you? I'm fine, sir. Thank you. अच्छा तुम्हारे बॉस कहाँ चले गए? आप मुझे अपनी समस्या बता दीजिए। Rhea, this is your name, right? जी सर, अपनी समस्या बताइए। वो क्या है ना, मेरे नंबर से कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा यार। आपको होने वाली असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं, आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हैं, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समस्या का समाधान दूं। आपसे कंफर्म करना चाहूंगी कि आपका नंबर 9863211, क्या इसी नंबर पर आपकी सारी कंप्लेंट्स है? हाँ, ये मेरा ही नंबर है, सेव कर लीजिए ना। जी हाँ सर, क्या कुछ सेकेंड्स के लिए आपका कॉल होल्ड पर डाल सकती हूँ? डालिए ना होल्ड पर। होल्ड पर रहने के लिए धन्यवाद सर। सर जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, अभी आपके 4:15 पर 1:05 ड्यूरेशन की कॉल हुआ है, हमें ऐसी कोई तकलीफ यहाँ दिख नहीं पा रही है, क्या आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा? अरे यार तुम्हारा नंबर ही नहीं लग पा रहा है, आधा घंटा वेट करने के बाद कहीं तुमसे बात हो पा रही है। कंप्लेंट तो और भी बहुत सारी हैं। सर आपको होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है, आप हमारे दूसरी टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, क्या मैं जान सकती हूँ आपकी और क्या समस्या है? कंप्लेंट्स तो बहुत सारी हैं, एक हो तो बताऊं। अच्छा एक काम करो, तुम अपना पर्सनल नंबर दे दो, वो क्या है ना, मैं तुमसे पर्सनली सारी शिकायतें दूर कर लूंगा। सर माफी चाहते हैं, हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की अनुमति नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, हम लोग रात को ही बात करेंगे, तब तो ठीक है ना। मिस्टर कपूर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है, कृपया बताइए कि हमारी सर्विसेज से संबंधित मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? बस वही क्रॉस कनेक्शन। एक काम करो यार, तुम ना मुझसे सीधा कनेक्शन कर लो, फिर जी सर की बजाय आ सर, ओ सर, आउट सर करोगी। सर आपसे अनुरोध है कि ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें, अन्यथा मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। गिव मी अ ट्राई बेबी, आखिर कब तक ऐसी दूर बैठी हॉटलाइन पे गर्म करती रहोगी, हमें अपना निजी कस्टमर बना लो। वैसे भी क्या रखा है तुम्हारी ये सड़ी सी कॉल सेंटर की जॉब में है? सर माफी चाहती हूँ, आपकी अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के कारण आपका कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है। हाँ तो जाना फिर, मराना अपनी कॉल सेंटर में जाके, तू नहीं तो कोई और सही, वैसे भी टोल फ्री नंबर है, तू नहीं तो तेरी साथी आ जाएगी, उसमें क्या है, जाना कॉल डिस्कनेक्ट कर। अरे जाना। क्या हुआ, कॉल कट नहीं किया?
मेरी आवाज इतनी पसंद आ गई क्या? अबे ओए चमन, लड़की कॉल पे आई नहीं कि तेरा बोलने का तरीका चेंज हो गया? हाँ अभी यहाँ कोई लड़का होता ना तो उसके अच्छे से मार रहा होता, या लड़की ने कॉल पिक किया तो बोलने का तरीका चेंज, टोन चेंज, वे ऑफ टॉकिंग चेंज, और तो और कोई कंप्लेंट भी नहीं। वाह भाई वाह, मेरा पर्सनल नंबर चाहिए ना तुझे ठरकी साले। अबे तुम लोगों के वजह से ना अच्छे खासे दिन क्या माँ बहन हो जाती है। माँ बाप ने सोचा था कि लड़की पढ़ लिख जाएगी तो कुछ बन जाएगी फिर शादी, लेकिन मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी इसलिए ये जॉब किया। पर यहाँ आने के बाद पता लगा कि दिन के 120 कॉल्स में से कुछ कॉल्स तुम जैसे ठरकियों के होते हैं। तुम्हें हमसे कंप्लेंट्स के सलूशन चाहिए ना? अबे सालो, तुम जैसे लोग खुद हमारी सबसे बड़ी कंप्लेंट्स हो। लड़की आई नहीं कॉल पे कि ठरक निकलना शुरू। जब जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी तो एचआर बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करो, मन लगा के काम करना यहाँ पे। हमें ट्रेनिंग भी दी गई कि कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस कैसे दी जाए। सॉफ्ट स्किल्स के नाम पे इतना सॉफ्ट बोलना सिखाया कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम खुद कस्टमर्स के पैरों पे गिर गए। कुछ को हैंडल करना भी सिखाया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि तुम जैसे अखंड किस तरह हैंडल किया जाए। अरे अच्छरी, जुबान संभाल के बात कर वरना। वरना क्या रे, हाँ क्या कर लेगा तू? उधर एक तू है और इधर एक मेरा बॉस। कहता है बॉयफ्रेंड तो सिर्फ वेट करने के लिए होते हैं। कौन सा मर्द वेट करना पसंद करता है बे? खुद वेट करते समय कितनी लाल कराई होगी अपनी उसने, हाँ? और उधर तू खुद अपने आप को देख ले, 10 मिनट का सबर नहीं कंप्लेंट डालने के लिए, लेकिन मुझे आधे घंटे से चबा रहा है साले ठरकी। लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखो, साथ ही उन लोगों की जो इज्जत से मेहनत से जॉब कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की कॉल गर्ल नहीं होती, समझे? एक मिनट, लेकिन तू तो ये समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि तुम जैसे ठरकी का दिमाग सिर्फ साली तेरी। तू रुक, तू गई अब। तेरी तो कंप्लेन में तेरे फीडबैक में करता हूँ, तेरी तो बजा के छोड़ूंगा साली। तू रुक, तू गई अब। अच्छा 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 अच्छा, तो तू फीडबैक भी देगा? हाउ स्वीट। सर आप अपना फीडबैक इस कॉल के बाद आए हुए मैसेज पर रिकॉर्ड कर सकते हैं 1 से 5 की रेटिंग में, जहाँ पर 1 का मतलब है बिल्कुल असंतुष्ट और 5 का मतलब है संतुष्ट। और हाँ, इस मैसेज का आपको कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। आपका दिल शुक्रिया। अबे साली कॉल डिस्कनेक्ट करेगी, तू जाती का है? ए, मेरी बात सुन, बात सुन मेरी तू, ए सुन। थैंक्स फॉर कॉलिंग मोबाइल कस्टमर केयर। Hi baby, let's go for the ride.